पैर उल्टे कर दिए, घुमा दे। It's a sign. अब हम दोनों बनेंगे भूत बस्टर्स। कैसे हॉरर फैंस हो, घर आए भूत को नहीं पहचानते हो? भूत कहाँ? वेलकम टू दुबई। चुहेल के लिए दो दबाए। पेस्ट कंट्रोल नहीं चाहिए। इस कॉस्ट्यूम पे कुछ करना पड़ेगा। वो एलेक्स पे बेच दे। हम तो पैसे कमा रहे हैं इससे, तुम्हें क्या मिलेगा इस पार्टनरशिप से? अभी इधर काम कर रहा भाई, दूर 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 दूर। भाई बत्ती क्यों नहीं जल रही? इसमें कोई स्विच होना चाहिए। स्विच थोड़ी होगा, पासवर्ड होगा। ओम 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 ओम। बहुत शौक है ना तुम दोनों को मोक्ष दिलाने का। अब तुम्हारी खुद की आत्मा है। सारी आत्माओं को मोक्ष दिला पाएंगे। मोक्ष। तुम्हारी हिंदी वीक है। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीवर, जिस तरह से इस ट्रेलर को हमारे सामने रखा गया है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि कैटरीना कैफ और सिद्धांत और इशान के साथ मिलकर आपको सिनेमा घरों में आपको हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। इस फिल्म में आपको ऐसे कई सारे सिक्वेंस देखने को मिलेंगे जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे, क्योंकि ट्रेलर के शुरू में ही आपको ये बात समझा दी जाती है कि बेटा भेजा घर पर छोड़कर आना, क्योंकि इस फिल्म का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। तो भैया, इसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही देखना। और अगर इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो इसमें ईशान और सिद्धार्थ को एक ऐसी ताकत मिल जाती है जिसकी वजह से वो भूतों को देख सकते हैं। तब उनके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना हम भूत पुलिस बन जाएं और अपना ही फोन भूत बनाएं और वहां से लोगों की कॉलों को रिसीव करें और पूछें कि भैया आपके घर में कोई भूत है क्या? अगर है तो हम आएंगे और उसे पकड़ कर ले जाएंगे और इसके बदले हम आपसे रुपया टका लेंगे। सिद्धार्थ के घर वालों को ये प्लान अच्छा नहीं लगता, लेकिन कैटरीना कैफ को ये प्लान बहुत पसंद आता है क्योंकि वो खुद ही एक भूत होती है। तो दोस्तों, ये फिल्म कॉमेडी हॉरर होने वाली है और क्या होगी इन तीनों की कहानी, ये तो नवंबर में ही सिनेमा घरों में हमें पता लगेगा। तो व्यूअर, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के बारे जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें।